देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। झबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल ने राज्य स्थापना दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर अपने आवास से देहरादून परेड ग्राउंड तक बाइकों के साथ रैली निकालकर शहीदों को नमन किया। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने कहा कि रुड़की नगर निगम में पहले जो मेयर रहे हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यदि भाजपा का मेयर चुना जाता है तो भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा। देशराज कर्णवाल भाजपा विधायक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर रही है। नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मयंक गुप्ता भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। देखिए उत्तराखंड राज्य जो है, जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक हम दौड़ भाग करते थे अपने समस्याओं को दूर करने के लिए। इस दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य का बनना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, उत्तराखंड के अंदर विकास करना, ये सारे तो ध्येय थे हमारे कि उत्तराखंड की हर गली गली विकसित हो जाए, सभी सुविधाओं संपन्न हो जाए। वो सब कार्य इस समय उत्तराखंड के अंतर्गत होना शुरू हुआ है। हमारी सरकार जब से अब पहले भी और अब भी वो थी, अब 3 टायर की सरकार लाने की हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पहले केंद्र में सरकार है उसके कारण उत्तराखंड में इतना योजनाएं आई जिसके कारण इतना प्रमोशन हुआ। राज्य सरकार आने के बाद जितनी भी योजनाएं विलंबित चल रही थी सारी अपनी गति से तरक्की से आगे बढ़ने लगी। मैं लगता हूँ कि मैदान से लेकर पहाड़ तक का संपूर्ण विकास की यदि परिकल्पना हुई है तो उत्तराखंड राज्य के बनने के कारण हुई है, और निश्चित रूप से विकास हमारे लिए विकास ये हुआ है हमारे लिए एक ऐसा सार्थक पहल बनेगी जिसमें हमें सिद्ध होता है कि उत्तराखंड राज्य बनने से हम सबका सर्वांगीण विकास हुआ है। उत्तराखंड लोगों को, शहीदों को अपना इस जीवन के संघर्ष को बढ़ाने में अपना जीवन देना पड़ा, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको बार बार नमन करता हूँ और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रोग्राम देशराज जी के निवास से हो रहा है और देशराज जी हरिद्वार के और कई हिस्सों में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी इस यात्रा को ले जाकर फिर हरिद्वार में समापन करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी यात्रा और इससे बड़ा कार्य इस समय कोई नहीं हो सकता कि हम अपने लोगों को उनको याद करें जिनके कारण उत्तराखंड बना है। साधारण सुशील शोम में कम बोलने वाले व्यक्ति, हर आदमी के दुख सुख में रहने वाले, और मैं समझता हूँ एक फोन के ऊपर तुरंत आपको उपस्थिति अपनी दर्ज कराने वाले व्यक्ति हैं। अब जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि साहब छवि के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ें अपनी तार्किक रूप से बताते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि क्या मयंक जी ने कभी व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई नुकसान किया? मयंक जी तो सबके दुख सुख में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये जो बवंडर विपक्ष ने फैलाया है, कांग्रेस फैला रही है, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी फैला रहे हैं, उस बवंडर को ना देखते हुए उत्तराखंड के अंतर्गत विशेष तौर पर 3 टायर की सरकार बनाने के रुड़की के विकास की परिकल्पना को संयोजित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, और निश्चित रूप से आज 1-2 दिन में अपना घोषणा पत्र हम जारी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जल्दी रिलीज करेगी। आपको लगेगा कि हर गली की चिंता उत्तराखंड यहाँ देरा रुड़की के अंतर्गत हम करने वाले हैं, और रुड़की का नाम रोशन कैसे हो, वो शताब्दी द्वार, वो यूनिवर्सिटी, वो IIT, वो CVRI, वो जो नाम रोशन है रुड़की का, उसको गुंडागर्दी से मुक्त करके, उस नगर निगम के भ्रष्टाचार को मुक्त करके और एक नई दिशा देंगे। कुछ लोग निर्दलीय खड़े हो गए हैं, कुछ लोगों के साथ खड़े हो गए, उनकी कोई परिकल्पना थोड़ी है। कोई इसमें कांग्रेस का मिल गया, कोई बसपा का मिल गया, कोई सपा का मिल गया, एक मिक्स पॉलिसी है, एक ना कल्पना है, ना कंसेप्ट है, ना धारणा है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका क्या विचार है भाई, रुड़की को कैसे लेंगे। फिर चलो बन ही गया, तो बनने के बाद मान लो क्या स्थिति आएगी, कहाँ सहयोग मिलेगा, कैसे उनकी रचना बनेगी। ये कल्पनाओं में जो बातें लेके चल रहे हैं उसको कैंसिल करना चाहिए और एक निश्चित धारा पर जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देके इस रुड़की के विकास को आगे बढ़ाने की प्रयास हमारा है। देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मुद्दे निश्चित रूप से इस प्रकार के हैं, जैसे रुड़की नगर निगम के अंदर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस समय जो वहाँ लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत वैकेंसी निकाली वहाँ, उसके अंतर्गत जो टेंडर पॉलिसी हुई उसके अंदर भ्रष्टाचार कर दिया। तीसरी प्रकार जो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी से रुड़की की पहचान होने लगी। क्या रुड़की की पहचान उसकी शालीनता से नहीं है? रुड़की ऐसा गरिमा में शहर है कि पूरे विश्व में के अंदर रुड़की का नाम है। क्या वो पहचान इस रुड़की नगर निगम के पिछले कार्यकालों को खत्म नहीं हो गई? हमें उसे पहचान को कायम रखना है और रुड़की के विकास को आगे बढ़ाना है। आने वाले घोषणा पत्र में निश्चित रूप से रुड़की का विकास प्रकल्पित होगा और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही नगर निगम हमारे हाथ में आएगा, भारतीय जनता पार्टी का मेयर वहाँ बैठेगा, और अगले 8 दिन के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं पेंडिंग पड़ी हैं,
बहुत सारे काम हुए ही नहीं जो अभी घोषणा पत्र में आने वाले हैं, उनमें सर्वटे दूर होंगे और गति तेजी से पड़नी। उसका कारण नगर निगम ही तो होता है। नगर निगम से कोई मान लो योजना है, सपोज बोल लो सिविल लाइन की योजना है, तो उसकी डीपीआर कौन बनाएगा? नगर निगम। मान लो सड़कों की योजना है, उसकी डीपीआर कौन बनाएगा? नगर निगम। अब आप नगर निगम की योजना ही नहीं बनेगी तो काम कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी का कारण मूलतः नगर निगम की अपनी कार्य प्रणाली है। जब आप नीचे से प्रस्तावना ही नहीं देंगे, प्रस्तावना मांगेंगे भेजेंगे नहीं, प्रस्तावना वहाँ से मांगे कह रहे कि आप करिए तो उसे योजना को लगाएंगे नहीं। इसलिए तो हम जनता से अपील करते हैं कि हमको मौका दीजिए तो तीसरा सिस्टम भी मिल जाएगा और विकास गति आगे बढ़ेगी। अगर विकास नहीं चाहते, देखो प्रशासनिक अधिकारी अपनी जगह से काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो वहाँ राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं, वहाँ पे हमारी राजनीतिक व्यक्ति बैठने से हमारा कार्य प्रणाली आगे बढ़ेगी। आज ये 20वां स्थापना दिवस है और 19वीं वर्षगांठ, ये हर्षोल्लास से आज झबरेड़ा विधानसभा की ओर से मनाया जा रहा है। ये मेरे आवास से ये बाइक रैली चलेगी, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए मुझे कार से जाना पड़ेगा, लेकिन ये इस रैली में पुहाना से, भगवानपुर से और फिर देहरादून जाएगी परेड ग्राउंड में, और जो भी कार्यक्रम है हमारे उसमें शरीक होगी। उसके बाद डोईवाला, भानियावाला, नेपाली फार्म और आपका रायवाला होती हुई हरिद्वार, ज्वालापुर और तमाम जगह होती हुई यह फिर वापस यही आवास पर पहुंचेगी। देखिए आज ये हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है, ये फैसला भी आज मैं मानता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ये हमारा समाज, चाहे वो हमारा मुस्लिम समाज है, चाहे हिंदू समाज है, चाहे सिख समाज है, चाहे ईसाई समाज है, वो हमारे जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगा। जो भी फैसला होगा पूरा देश, पूरा राष्ट्र उसे मानेगा। सैकड़ों की संख्या में हम यहाँ से चलेंगे और सैकड़ों की संख्या में जा करके ये जश्न हम देहरादून में मना करके फिर वापस आएंगे। हर विधायक परेड में शामिल होता है, देहरादून शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे कहा कि हम बाइक से, पहले मुझे भी बाइक से जाना था लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे कार से जाना पड़ेगा। मैं कल ही डिस्चार्ज होकर के आया हूँ, इसलिए आज मेरे क्षेत्र के लोग मेरी ताकत है, मेरा सम्मान है, मेरा स्वाभिमान है, वो मेरे साथ जश्न मनाने के लिए देहरादून पहुँच रहे हैं। देखिए जिसने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, उन अमर शहीदों को सो बार नमन मेरा, सो बार नमन मेरा। उत्तराखंड के अमर शहीद जिनकी वजह से आज उत्तराखंड स्थापित है, जिसकी वजह से मैं आज विधायक हूँ, ये पूरी सरकार है, ये आज गौरवशाली गौरव में उत्तराखंड आज बना है, ये देवभूमि, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री संवार रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं। उत्तराखंड का विकास श्री त्रिवेंद्र सिंह सरकार का जनून इस ये उद्देश्य है, उसी को उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं आज इस सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए अमर शहीदों को आज देहरादून कूच कर रहा हूँ।